ग्रीटिंग्स सुप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप खुद घर पे अपने लिए एक फेस प्राइमर बना सकते हैं। जी हाँ, आर यू फीलिंग शॉक्ड? देयर इज नो नीड टू शॉक, क्योंकि फेस प्राइमर बनाना बहुत ही आसान है। मैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ऑयली और ड्राई स्किन के लिए फेस प्राइमर बनाना आपको बताऊंगी। फेस प्राइमर बोले या पोर प्राइमर बोले, तो पहले आपको फेस प्राइमर या पोर प्राइमर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एंड उससे भी पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे एक टाइनी सा रेड, नॉट टाइनी, रेड बटन है, जस्ट क्लिक इट। दैट जस्ट मीन कि आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता, इसके ऊपर सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि आपके स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उसके बाद जब उसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो एकदम मक्खन की तरह ग्लाइड होता है, केकी नहीं दिखता, स्मूथ दिखता है। प्लस आपका जो मेकअप है उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है और आपका फेस फ्लॉलेस दिखता है। तो एक नन्हा सा प्राइमर इतने सारे काम करता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन ये जो प्राइमर वाला पार्ट है इसको स्किप कर देती हैं। एंड आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मे भी हमेशा ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहा होगा कि यार मेरा मेकअप इतनी देर तक लास्ट क्यों नहीं करता, या मेरे फेस के ऊपर ये लाइन्स क्यों दिख रही हैं, ये फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट क्यों नहीं हुआ, ब्ला 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 एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सो दिस कुड बी द बेस मेन प्रॉब्लम कि यू आर स्किपिंग यूजिंग अ प्राइमर। मार्केट में बहुत सारे फेस प्राइमर्स अवेलेबल हैं, लॉरियल में, कलर बार में, मेबलिन में, फेसेस में, एवरी ब्रांड हैज़ लॉन्च देयर ओन प्राइमर, बिकॉज ये एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है प्राइमर अप्लाई करना फेस के ऊपर बिफोर द मेकअप टू मेक इट लास्ट मोर लॉन्गर। लेकिन मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, होम रेमेडी, घरेलू DIY मेकिंग योर ओन फेस प्राइमर और पोर प्राइमर, जो बहुत ही आसान है ड्राई और ऑयली स्किन वालों के लिए, दोनों के लिए बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, साथ साथ में बातें करते हैं और साथ साथ में हम अपना बनाते हैं फेस प्राइमर। तो सबसे पहले मेरी स्किन है ड्राई और बीच बीच में कॉम्बिनेशन है, थोड़ी सेंसिटिव भी है क्योंकि आईब्रोज ग्रो तो एकदम रेड हो जाती है। तो बेसिकली इट्स अ ड्राई सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन। तो मैं अपनी स्किन के लिए एक फेस प्राइमर बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी ये सौंदर्य एलोवेरा जेल। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैंने सौंदर्य एलोवेरा जेल लिया है, क्योंकि इसमें है सैंडलवुड ऑयल, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा मुझे मेरी स्किन को। और ऑयली स्किन वाले जो हैं वो यूज़ करेंगे सिंपल एलोवेरा जेल, प्लेन एलोवेरा जेल, जो आप पतंजलि की भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल मैं अपने पास ही रखती हूँ, तो आई एम जस्ट गोना शो यू। इस बोल में मैं एक स्पून लूँगी ये मेरी सौंदर्य एलोवेरा जेल। आप चाहे तो क्लियर एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको अलग से यू हैव टू गो एंड बाय इट। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक इजी फॉर यू, आसानी से आपके पास जो घर पे चीज़ें हैं, एलोवेरा जेल आजकल इतनी कॉमन हो गई है, हर घर में है ये अवेलेबल। आपको ये पोर प्राइमर बनाने के लिए बार बार मार्केट से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास घर पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये एक चम्मच मैंने ली है सौंदर्य एलोवेरा जेल, ये गई मेरे बोल के अंदर। तो आपकी स्किन ऑयली है तो आपको लेनी है सिंपल प्लेन एलोवेरा जेल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं, मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो किया है इसके ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाइए पहले वो वीडियो देख के आइए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, उसको देख के आइए, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। तो शॉर्टकट में बता दूँ तो ये सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन टाइप है, सबके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये एक नॉन रिएक्टिंग लिक्विड होता है, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता, इसकी कोई रिएक्शंस नहीं होती किसी भी केमिकल कंपोजिशन के साथ। तो एक चम्मच मैं डालूंगी ग्लिसरीन, ये एज इट इज़ बहुत ही अच्छी स्किन की मॉइस्चराइजिंग करता है, प्लस ये मॉइस्चर को लॉक करता है। तो आप इसको लगाने के बाद जब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपका फाउंडेशन एकदम स्मूथली ग्लाइड होगा। तो मैं एक चम्मच लूँगी, ये इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, आप ऑयली स्किन के हैं या ड्राई स्किन वाले हैं, आपको ग्लिसरीन ऐड करना ही है इस प्राइमर में। एलोवेरा जेल का ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, कुछ सी
ये थोड़ा येलोइश इसलिए दिखेगा क्योंकि मेरी सौंदर्य एलोवेरा जेल जो है वो येलो कलर की है, दैट्स व्हाई। मैंने इसमें दो इंग्रेडिएंट डाले, पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आपको इस्तेमाल करनी है, मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूले नहीं, आपको इस्तेमाल करनी है सिंपल ग्रीन पतंजलि एलोवेरा जेल या कोई भी और एलोवेरा जेल। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन प्लस ऑयली स्किन वाले गुलाब जल ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, क्योंकि गुलाब जल जो है वो एज अ टोनर होता है, टोन करता है आपकी स्किन को, मॉइस्चर करता है, प्लस एक ब्यूटीफुल सा फ्रेश ग्लो देता है आपके फेस के ऊपर। ये आपको कितना ऐड करना है, आई थिंक आप इसकी सिर्फ 3 से 4 बूंदें ही ऐड कीजिए, नहीं तो आपका जो प्राइमर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। ऑयली स्किन वाले आप गुलाब जल ऐड करेंगे और ड्राई स्किन वाले लाइक मी, मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी। वैसे इसमें और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं, जैसे फेशियल ऑयल, आलमंड ऑयल ऐड कर सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी जब मैं ये पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें सैंडलवुड ऑयल है, तो मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ और डालूंगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा एंड फिर जो मेरा मेकअप है मेरा फेस बहुत जल्दी ज़्यादा डार्क दिखेगा, आई डोंट वॉन्ट दैट। तो ये एक सिंपलेस्ट फेस प्राइमर सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स के साथ, इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ यू विल नॉट गेट इन द मार्केट एनी वेयर। और मैं आपको इसका डेमो भी दिखाने वाली हूँ कि हाउ डज दिस लुक लाइक। तो ये मोस्टली मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और हमें चाहिए एक टीनी वीनी सा कंटेनर जिसमें हम इसको स्टोर करके रखेंगे। कंटेनर आपको इजीली कहीं पे भी आपके नियरेस्ट स्टोर पे मिल जाएगा। तो चलिए इस कंटेनर में मैं हमारा एलोवेरा जेल जो है उसको हम स्टोर करेंगे। पहले थोड़ी क्वांटिटी बनाएं, कैसा सूट होता है आपकी स्किन के ऊपर, और फिर आप कभी भी इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने सारी चीजें डाल दी और ये हमारा फेस प्राइमर रेडी है। इसका कलर येलो है बिकॉज ऑफ दिस सौंदर्य एलोवेरा जेल। अगर आप क्लियर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे तो इसका कलर आपको व्हाइट दिखेगा, प्लस अगर आप इसको ग्रीन एलोवेरा जेल इस्तेमाल करेंगे तो कलर थोड़ा सा ग्रीन दिखेगा। तो मैंने ड्राई स्किन और ऑयली स्किन वालों के लिए दोनों के लिए बताया कि कैसे आप बना सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा आपने अगर इसको बनाया है तो आपको क्या कुछ फ़र्क लग रहा है। तो मैं इसका आपको डेमो दिखाती हूँ। सबसे पहले शिट्स इज सो लाइक ब्यूटिफुल, मेरे हाथ के ऊपर फिलहाल कुछ नहीं है। ये लगाया हमने हमारा फेस प्राइमर पोर प्राइमर। अब इसको मैं ऐसे ही अपनी स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ताकि ये ऑब्जर्व हो जाए। मोस्टली हम जब मेकअप भी करते हैं फेस के ऊपर तो प्राइमर लगाने के बाद आपको 1 से 2 मिनट देना होता है ताकि वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, सेट हो जाए, आपका फेस रेडी हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। तो ये अच्छी तरह से ग्लाइड हो गया, एक अच्छा सा शीन भी दे रहा है, ड्यूई फिनिश भी आएगी। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आपका फाउंडेशन भी अच्छी तरह से सेट होगा। ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैंने बता दिया कि उनको एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन और साथ में थोड़ा सा रोज वाटर डालना है, सिंपल एलोवेरा जेल लेना है। तो मैं इसको ऑब्जर्व होने दूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, फिर मैं आपको दोनों हाथों का डिफरेंस दिखाती हूँ कि बिना प्राइमर के अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो क्या होता है और प्राइमर के साथ फाउंडेशन। मैं अपना लैक्मे का परफेक्टिंग स्किन फाउंडेशन ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक सिंपल रेगुलर डेली वेयर फाउंडेशन है। इसका और मेबेलिन के फाउंडेशन का मैंने एक कंपैरिजन वीडियो किया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स और ये कैसा दिखता है, कैसा लुक देता है, यू कैन सी। और मैंने रिसेंटली एक क्विक मेकअप वीडियो ट्यूटोरियल भी डाला था जिसमें मैंने इसको एज अ बेस इस्तेमाल किया था, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा फेस आज कुछ बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है तो बता दूँ कि ये एक मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए मैंने वो प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है जिसका रिव्यू मेरे चैनल पे जस्ट पोस्टिंग वेरी सून। सो इफ यू गॉट गाइस वांट टू नो अबाउट इट तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया है हमारा पोर प्राइमर। यहाँ की स्किन एकदम सप्पल एंड स्मूथ दिखाई दे रही है। मैं इस पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी 2 ड्रॉप्स और हल्का सा उसको करेंगे हम ब्लेंड। और ये फाउंडेशन हमारा अप्लाई हो गया अच्छी तरह से। सिमिलर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे हमने
प्राइमर इस्तेमाल नहीं किया है। इफ यू कैन मेक आउट द डिफरेंस ऑफ द फिनिश, दिस हैंड इज लुकिंग मोर नीट ग्लॉसी एंड मोर सेटल्ड फिनिश, मोर सप्पल, जिसको बोलते हैं इवनली स्प्रेड आउट होना, सप्पल लुक देना। यू कैन सी इट हियर एंड हियर यू कैन सी कि स्किन का टेक्स्चर जो है वो ज़्यादा विजिबल है कंपेरेटिव टू दिस वन। जल के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये आपकी स्किन को एक हेल्दी बेनिफिट देगा। मार्केट से कोई प्राइमर लेंगे तो वो केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते ही हैं। कभी हैवी पार्टी मेकअप आपको करना है और कहीं कोई लाइक पूरा दिन भर का फंक्शन है वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए। कभी कभार जो भी आपको मार्केट से अगर कोई फेवरेट प्राइमर है आपने वहाँ से खरीदा है, डेली के लिए अगर आपको एक फेस प्राइमर चाहिए तो आप ये ऐसे खुद घर पे बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी बल्कि रिपेयर होगी और ये जो भी आप मेकअप लगाएंगे उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो, DIY होममेड फेस प्राइमर, पोर प्राइमर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई एम गोइंग टू कैच यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। एनी रिक्वेस्टेड, डोंट फॉरगेट टू कमेंट अंडर द वीडियो। दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू।